टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। पता नहीं आज तो सर्दी भी नहीं, कोटी पहन के आ जाता, कोट पहन के आ। उसने तुम्हारी बीवी को अगवा करने की कोशिश की और तुम उसे छुड़ाना चाहते हो, ये आखिर चक्कर क्या है? चक्कर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे उस पे असल में तरस आ रहा है ना। अभी तो सिर्फ बहुत सी तफ्तीश बाकी है। अभी तो सिर्फ मैंने उससे ये पूछा है कि उसे अगवा करने के लिए किसने भेजा था। पूछ लिया? हाँ, लेकिन उसने अभी कुछ बताया नहीं है। अच्छा, एक काम करें, मैं खुद उससे पूछ लूंगा, आप उसे छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दें इसको, बड़ी मुश्किल से मुर्गा हाथ लगाए। नहीं 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 नहीं, मुर्गा नहीं है वो, मुर्गा नहीं है भाई, वो हाशिम है, हाशिम। देखें, उसने मेरी बीवी को अगवा किया था ना, तो मैं उसे माफ कर रहा हूँ, तो छोड़ दें उसे। तुम्हारा माफ करना जरूरी नहीं, तुम्हारी बीवी का माफ करना बहुत जरूरी है। अभी बुलवाता हूँ उसको। नहीं नहीं नहीं, हाँ तो मेरी बीवी को ना बुलवाइए। देखिए, अगर वो आ गई ना तो वो उसे तो माफ कर देगी, लेकिन मुझे साफ कर देगी वो। ठीक है, देखो अभी इसकी FIR नहीं कटी है। अगर तुम 5,000 रुपये का बर्दाश्त कर दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा और कुछ भी नहीं पूछूंगा इससे। 5,000? ये 5,000 कितने होते हैं भाई? नहीं नहीं, मतलब मेरा 5,000 रुपये तो मेरे पास सर नहीं है अभी इस वक्त। तो फिर जाओ, आज ही मैं इससे असली तो गुलवा लूंगा। आप उससे कुछ मत पूछिएगा, मैं करता हूँ कहीं से भी 5,000 रुपए का इंतजाम। सुनो, अभी कितने पैसे तुम्हारी जेब में? 100-100 के तो दो नोट हैं जनाब, दो लाओ मुझे दो। अच्छा, देते देता हूँ भाई, देता हूँ 200 रुपए। कहाँ गए? ये जो भाई, जल्दी करो जल्दी। और देखो, मैं इससे कल तक कुछ नहीं पूछूंगा। अगर 5,000 रुपये का इंतजाम ना हुआ तो 200 रुपये रोज पहुँचाते हैं ना, और जिस दिन तुमने 200 रुपये नहीं पहुँचाए तो मैं इसे सब कुछ उगलवा लूंगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मैं आपको 200 रुपये पहुँचाता रहूँगा। और हाँ, अगर वो कुछ बता भी देना आपके पूछने पे। सुरैया को ना बताइएगा भाई। ठीक है ठीक है, लेकिन 200 रुपये रोज मैं आपको 200 रुपये रोज पहुँचाता रहूँगा। लेकिन भाई, अगर वो किसी का नाम बता भी देना तो सुरैया को ना बताइएगा भाई। ठीक है, लेकिन 200 रुपये रोज, 100-100 के दो नोट है ना, 50-50 के चार नोट, 200 रुपये रोज पहुँचाता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा।
दस के बीस नोट बड़े डॉक्टर बास पानी लिया टेबल 1-5 तेरे देखने इलाके की क्या पोजीशन है 200 रुपये भाई जलाल चाचा तबियत तो ठीक है ना तेरी क्या हुआ तुम्हारी क्या बात हुई जलाल चाचा 200 रुपये मांगे मुझे देने रोज उनको अच्छा तो 200 रुपये तुम्हें यहाँ पर भी मुझे देने तुम्हें भी हाँ मुझे भी यहाँ पर तुम रोजाना 200 रुपये भिजवाओगे चाचा देखो वरना मैं उन्हें खुद जाके सब कुछ बताऊंगा वो अगर मुझसे नहीं भी पूछेंगे ना तो मैं उन्हें एक एक बात बताऊंगा कि मैं क्यों गया था और मुझे किसने भेजा था याद रखना चाचा 200 रुपये डेली मुझे याद चाहिए 200 रुपये उन्हें भी 200 रुपये तुम्हें भी लेकिन पैसे भिजवाना भूलना मत बिल्कुल 200 रुपये रोज 200 रुपये रोज 200 रुपये रोज 100-100 के 4 नोट बिल्कुल 50-50 के 8 नोट 10-10 के 40 नोट 10-10 के 40 नोट 50-50 के 8 नोट 100-100 अबे ओ खड़पैंच इधर आ अस्सलामुअलैकुम खालू आपकी उम्र लंबी हो तू अभी तक गया नहीं वापस मामू कह रहे हैं नॉट लुकिंग योर फेस अपनी शक्ल मत दिखाना और मामू कह रहे हैं कि नाउ नॉट प्लेस खाली अब जगह खाली नहीं है खाली जगह नहीं है तो मैं क्या करूं तू जहन्नम में जा मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है खालू मामू ने एक दूसरा मैकेनिक रख लिया पूरे लाला मूसा में कोई मैकेनिक की जगह खाली नहीं है नो प्लेस लाला मूसा में मेरा मतलब है खालू के लाला मूसा में ही जगह नहीं है वो ही फुल हो गया तो लंदन की तो बात ही मत करें वो तो पहले ही फुल हो चुका है हाउस फुल दुमाई जारी है बात सुन लंदन से सिगरेट लाया है लंदन की सिगरेट खालू वो लंदन की सिगरेट तो खत्म डी एंड और तो फिर तू भी खत्म हो जा मनोज कहीं के सारी सिगरेटें खुद पी गया मुझे मुफ्त का खालू बनाना चाहता है डोंट वरी खालू मैं भाग कर ले आता हूं रन फास्ट कम फास्ट हां हां तेरी अम्मा के जहाज चल रहे हैं ना चार्टर जहाज चल रहे हैं जो तू भाग के लंदन से सिगरेट ले आएगा और एक बात सुन ले कान खोल के अगर आज के बाद साले खड़पैंच अगर इधर नजर आया ना तो दोनों अम्मा बेटे को बाहर निकाल के उठा के फेंक दूंगा मेरे प्यारे खालू खालू अम्मा को भले निकाल दो धक्के मार के लेकिन मुझे तो यहीं रहने दो अबे बेगैरत शर्म कर अपने चक्कर में अपनी माँ को घर से बाहर निकलवा रहा है पहले तू अपनी अम्मा को मैकेनिक की ट्रेनिंग दिलवा उसके बाद तू यहाँ रह सकता है ओ यस खालू ये बिल्कुल ठीक है खालू अम्मा को ऐसा करता हूँ कि मैं बस की मैकेनिक बना देता हूँ क्योंकि गाड़ी के नीचे तो वो आएंगे नहीं बेगैरत बेशर्म बेहया डूब मर एक बाल्टी ले उसमें पानी डाल और डूब मर उसमें अपने चक्कर में अपनी माँ को बस के नीचे दे रहा है शर्म कर बेहया शर्म कर और एक बात सुन कल अगर तू मुझे नजर आया यहाँ पर तो उसी दीवार से जिस दीवार से तू चढ़कर मेरे घर में जागता है तेरा सर टकरा के उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा दबाओ दीवार के टुकड़े टुकड़े कर देंगे दाता खालू आशीर्वाद दे दे आशीर्वाद आशीर्वाद तो हम तुम्हें बहुत पहले से देना चाहते हैं लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा जब घोर अन्याय हो रहा हो और एक शख्स किसी जगह पे खड़े होके नीम के दरख्त के नीचे हमारे घर में झांक रहा है ऐसे आदमी को हम आशीर्वाद दे सकते हैं नहीं विजय नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हम
साबिर अली, यहाँ अकेला मैं क्या कर रहा हूँ? अल्लाह ही रहम करे मेरी हालत पे। क्या करता है यार, पहली नजर भी मेरा दिल ले गई। वो पहलवान दूध वाले की बेवा भी पहली नजर में तुम्हारा दिल ले गई थी, पता है मुझे। अबे लानत भेज उस पे यार, वो भी कोई औरत है यार। तो टकेगी दूध वाली औरत तो ये है यार, साहिबे जायदाद, ढेरों बैंक बैलेंस। तो ये सब देखा है तुमने खुपों में? हाँ, पहली नजर की मोहब्बत देख रहा हूँ। अबे ये तो सब बाद में पता चला कि मेरी लॉटरी निकल आई है। फिर तो बहुत कपड़े बन जाएंगे ना तुम्हारे, मेरे कपड़े वापस करो, चलो शावर। अबे वो तो बाद में बनेंगे ना, लेकिन शादी में क्या पहनूंगा मैं? और देख ये तो कपड़े मेरे है ना, मेरे नाप के। तू क्या करेगा इसका? अपने नाप की करके पहनूंगा और क्या। अबे यार क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा है? फटे पुराने कपड़ों में दूल्हा कैसा लगेगा? अभी तो मुझे शादी की शेरवानी सिलवानी है, सोच जब मैं शेरवानी पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। ख्यालों से वापस आओ चचा। अबे तू यही सोच के खुश होता रहियो कि इतने बड़े काम में तेरा भी कुछ हिस्सा है। यही तो तकलीफ है मुझे कि मेरी बर्बादी में मेरे ही पैसे लग रहे हैं। देख देख देख, तू मुझे शादी करने दे, उसके बाद वापस आकर मैं खुद साबिर अली के घर जाकर तेरा रिश्ता मांग लूंगा। क्यों घबरा रहा है तू? हाँ, बड़ा दिल खुश करके जा रहे हो ना खालू का, जो वो दोबारा तुम्हें घर में घुसने देंगे। तुम छोड़ दो, मैं खुद को तरकीब निकालूंगा अच्छी सी। भाई जल्दी कर लो। अबे चुप कर यार, इसलिए पड़े हुए यहाँ पे। देख चाचा, वो मैंने तेरी शादी में इन्वेस्टमेंट किए तो अभी बता दे जायदाद में मेरा कितना हिस्सा होगा। अबे तेरा हिस्सा? तेरा हिस्सा क्यों होगा जायदाद में? ते मेरी इन्वेस्टमेंट वापस करो, दो मेरे कपड़े उतारो। अच्छा अच्छा अच्छा, रुक, शादी होने दे, तेरा हिस्सा भी दे दूंगा। याद रखना चाचा, वरना भैया आके अपने कपड़े ले जाऊंगा, चाहे अगर तुमने पहने हुए भी हो तो। अच्छा अच्छा, बात सुन, बारात के साथ चलेगा? बारात? कौन कौन जा रहे हैं बारात में? भाई मैं जा रहा हूँ साइकिल पर, तू भी चलना मेरे साथ, बड़ा मजा आएगा। पागल नहीं हूँ मैं, अकेले ले जाओ अपनी बारात इसी रक्षे पे। अब चलो भाई यार, चलो यार। अब आप सुनिए, जो टाइम जाए हुआ ना, इसके लिए कहीं मुझसे मीटर से ज्यादा पैसे ना मांग ले। चल चल निकल यार, पागल है ये तो। अरे चल भाई। लग गई, अब्बा तो हमारी शादियों के लिए राजी भी हो गए थे। ये सब तेरे उस नवीद की वजह से हुआ है। उनके चाचा जैसी पुप्पो को देखा फट उनके पीछे लग गए। अगर उसके चाचा इतने छिछोरे निकले तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा नहीं तो नवीद का कसूर है। वो जानता था कि इतने छिछोरे चचा है तो भेजने की क्या जरूरत थी रिश्ते के लिए। अच्छा अच्छा, लड़ो मत, जो होना था सो हो गया। अब इस बात से क्या लेना देना कि किसकी गलती थी? नहीं नहीं, गलती नवीद की ही थी, बल्कि नाजिया की थी। क्या जरूरत थी ऐसे लड़के को पसंद करने की जिसके इतने छचोरे चाचा हैं? हाँ हाँ, अभी तक वो तेरे सब्जी वाले के अम्मा अब्बा नहीं आए ना, इसलिए इतनी उछल रही है। जब वो लोग आएंगे ना, तब देखना फिर क्या क्या गुल खिलाएंगे। मैंने कहा ना लड़ो मत। वैसे ना एक काम करते हैं, ठीक है? अब अब्बा ना हमारी शादी पर राजी हो गए। हम में ना उन लोगों से कहते हैं कि वो फिर से हमारे रिश्ते भेजें और इस दफा इकबाल से शुरू करते हैं, कैसा? मगर मेरा क्या होगा? मेरा तो पता चल गया अब्बा को, नवीद के चाचा मेरा रिश्ता मांगने आए थे। कैसे पता चलेगा? नवीद के चाचा ने बात की ही कब थी? उन्होंने तो अपने रिश्ते की बात की खाली। अरे हाँ, लेकिन मेरा रिश्ता अब कराएगा कौन? पप्पो और चाचा। अच्छा उदास मत हो, देख जब हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो हम ना दोनों मिलकर अब्बा को तेरी शादी के लिए राजी कर लेंगे, है ना शबनम?
हाँ हाँ सलमा खुद बात कर लेगी अब्बा से। देख लीजिए शादी करके कहीं चली मत जाएगा आप भी फुप्पो की तरह। तू फिक्र मत कर, तू ना बस सुबह सुबह उन तीनों को फोन करके यहाँ बुला और बाकी बातें मैं समझा दूंगी उन्हें। अब्बा के जाने के बाद का टाइम देना। नहीं नहीं मैं तो बेवकूफ हूँ, उसे बोलूंगी जब अब्बा घर पे हो ना तभी आए। लेकिन ऑफिस में वो सुबह मिलेगा इसलिए फोन तो सुबह ही हो सकता है। हाँ लेकिन अब्बा के उठने से पहले उसे फोन करना और उसे कहना कि इकबाल और सलीम को भी अपने साथ ले आए। मगर सही वक्त पर, सारा मामला खराब कर दिया कमबख्त ने, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। आई बड़ी मेहनत करने वाली। एक तो तेरी वजह से मेरा शादी पे खत्ते जोड़ा पहनने का पूरा प्रोग्राम रह गया कसम से। ये देख ये मैचिंग लेके बैठी हूँ, इतना अच्छा लगता है फिरोजी कलर, सोचा था शादी पे पहनूं। अबे सुन वो क्या नाम उसका, दरवाजा जरा अच्छी तरह से बंद कर लेना समझी। जी अब्बा। दरवाजा बंद कर लेने में इतनी बाचे क्यों खिल रही है तेरी? कुछ नहीं अब्बा वो। क्या बात है? ऐसी 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 ठीक है ध्यान रखना, मेरी आवाज सुने बगैर अगर दरवाजा खोला ना तो सर फाड़ दूंगा ऐसे ही। और दरवाजा कुंडी लगा के रखना समझी। ए, सब देख रही थी मैं, खुशी से मरी जा रही है। जी अब्बा अगर अब्बा को शक हो जाता ना तो बजाते भी नहीं कहीं, सारा का सारा हमारा प्लान धरा रह जाता। तो चले तो गए ना, मरी क्यों जा रही है, बकवास क्यों कर रही है। सुकड़ी ओए गिरी तो। ए, ए, रुक 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 रुक, आज ना मैं दरवाजा बजाऊंगा। हाँ चल बजा। कौन है? शबो। कौन? खोल ना बेहू। हाय अल्लाह, अब तुम लोग अब अंदर आ जाओ, इतने सारे लोगों को मोहल्ले वाले देखेंगे तो शक करेंगे। अंदर आओ। आजा, 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 आओ अंदर आ जाओ। अरे चलो ना अंदर। अच्छा चल दिया चल दिया चल दिया। अरे पता नहीं ना, चल दिया। हाँ 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 बात सुनो, इधर आ तू। अरे ये बता खालू आ तो नहीं जाएंगे? मरा क्यों जा रहा है, अब्बा 2 घंटे से पहले घर वापस नहीं आते। लेकिन एक बात बताओ, तुमने खुफिया तरीके से बुलाया क्यों है, आखिर बात क्या है? बताती हूँ सांस तो ले लो। अब शबनम नाजिया इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी। साबिर अली बुड्ढे हो गए हो तुम, सिगरेट घर पे भूला है। चलो पर एक बात बताओ, तुम लोगों की कोई और फुफ्फो तो नहीं है? नहीं क्यों? मसला यह है कि अब्बा अम्मा से बड़े तंग हैं, जान छूट नहीं रही उनकी। अगर तुम लोगों की कोई फालतू फुप्पो होती तो लगे हाथों अब्बा के भी हाथ पीले हो जाते। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इकबाल पहले अपनी अम्मा को भेजेगा। तुम दोनों तो बेवकूफ हो पागल। कौन? शबनम आ रही हूँ अब्बा, अब क्या करें? अरे मैं तो ना सलीम तेरे पीछे छुप जाता हूँ। अबे मेरे पीछे क्यों छुपेगा, सबसे पहले तू दिखेगा। क्या करें? एक काम करो, तुम तीनों दीवार फैला के खाला खैरन के घर भाग जाओ। दीवार फैला के खाला खैरन कूट देंगी।
अबे मगर दीवार फलांगेंगे कैसे? दरवाजे से चलती है। हाँ। कहाँ जाएगा दरवाजे से? मेरा मतलब है वो जो हमारे अम्मा बाहर खड़े हैं वो। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाके छुपूँ मैं? एक काम करो, तुम सारे ना हमारे कमरे में छुप जाओ। अब्बा हमारे कमरे में कभी नहीं आते। हाँ, ये तू ठीक कह रही है नाजिया, तू ना इन तीनों को कमरे में छुपा देना। पता नहीं कहीं आज ही अब्बा को हमारा कमरा ना देखा। जाओ 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 ना, दरवाजा खोल करके जाना। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हेलो, इतनी देर लगा दी, बहरे हो गए हो क्या तुम लोग? चिल्ला चिल्ला के थक गया, दरवाजा नहीं खोल रहा कोई। अब्बा मैं सो रही थी। सो रही थी तो तू क्या सोते में जवाब दे रही थी मुझे? अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे निकले हुए, इतनी देर में तू गहरी नींद सो भी गई। पता नहीं तुम लोगों का दिमाग, सिगरेट भूल गया था मैं, सिगरेट लेने आया हूँ। या अल्लाह, आज ये दोनों पकड़ी गई ना, मैं तो यहीं से घर छोड़ के भाग जाऊंगी। तो ऐसा खुला रखती हूँ। ये घर में गोश्त आया है क्या? नहीं तो क्या बात कर रही है, मेरी नाक बहुत तेज है, गोश्त की खुशबू आ रही है। और ये बिल्कुल ऐसी जो खुशबू है ना, वो मनोज नहीं है इकबाल कसाई, उसके पास से आती है। गोश्त नहीं भेजा है उसने कहीं? नहीं अब्बा। ये अंदर से मुझे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे बोल रहे हो। हाँ वो अब्बा, वो सलमा और नाजिया लड़ रही थी, आपको तो पता है ना वो कैसे चुड़ैलों की तरह लड़ती हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे जिन बोल रहे हैं। या तो तू पागल हो गई है या मैं सनक गया हूँ। वो दोनों लड़ती कब हैं? हैं? और वो हैं कहाँ दोनों, बताओ जरा। नहीं अब्बा, वो दोनों सोते में लड़ रही थी, उठेंगी तो सही हो जाएंगी। अब जाए, अब जाए। हटो यहाँ से, बंद कर दरवाजा, खबरदार दरवाजा उस वक्त तक मत खोलना जब तक मेरी आवाज ना आए। जी अब्बा। क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? खालू मुझे घर से निकाल रहे हैं। खालू गेट आउट मी आउट। तो मसला क्या है, निकल जा। मुझे शादी करनी है शबनम से, मैरिज विद शबनम। शबनम से अच्छी और खूबसूरत लड़कियां इस मोहल्ले में मौजूद हैं, कभी उनको भी देख लिया करो। जब इस मोहल्ले से ही निकाला जा रहा हूँ तो किसी को क्या देखूंगा मैं? तू आकर जा, खालू में दम ही कितना है, तू तो जवान आदमी है। नहीं, मैं अकड़ ही नहीं सकता। अगर मैं अकड़ गया तो खालू अम्मा को भी घर से निकाल देंगे। अब फिर क्या करेगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। आई नॉट अंडरस्टैंड। अब तू एक काम कर। क्या? तू ना साबिर अली की कोई कमजोरी पकड़ ले और फिर उस कमजोरी के जरिए अपनी बात भी मनवा लेना। अरे हाँ, अम्मा बता रही थी कि खालू का एक गुर्दा कमजोर है, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि गुर्दा होता क्या है, पकड़ूंगा कैसे? बेवकूफ, कमजोरी का मतलब है बुरी आदत। तू उनकी कोई ऐसी बुरी आदत पकड़ ले जिसे वो सबसे छुपाते हो। ऐसी आदत? वो क्या अंगूठा चूसते? अरे नहीं, ऐसी आदत मैं कैसे पकड़ू? अरे जासूसी से पीछा कर उनका, ये देख के वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, जासूस बन जा। ओए, हाँ अब मैं पकड़ूंगा खालू की बीमारी। बीमारी नहीं, कमजोरी। हाँ वही वही, तुम देखना मैं कैसे खालू के सारे पोल खोल लूंगा। आई फ्रंट बैक ओपन खालू। हाँ हाँ खालू, आया मैं। साबिर अली, अब तुम देखना मैं इस बेवकूफ से तुम्हारे कैसे राज फाश करवाती हूँ। मैं हूँ माला सबसे आला।
या अल्लाह मियां, या अल्लाह, अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये आजकल तुम बड़ी जल्दी घर आने लगे हो। असल में बेगम, आजकल कहीं दिल लग नहीं रहा मेरा। अरे तो दिल कहीं और लगना भी नहीं चाहिए। हाँ, अरे पहले तो 12-12 बजे घर आते थे और अब 5-6 बजे ही आ जाते हो, और पैसे भी कम देने लगे हो घर में। हाँ, असल में वो बेगम, दुकान पे जो है ना ग्राहक कम आ रहा है, तो बिक्री कम हो रही है ना। अरे तो जब इतनी जल्दी दुकान बंद कर दोगे तो बिक्री तो कम होगी ना। ये आखिर तुम बैठ क्यों नहीं जाते, मेरी गर्दन दुखने लगी ऊपर देख देख के। असल में आपने मुझे बैठने को कहा नहीं ना, इसलिए। चलो आओ बैठो। शुक्रिया। अरे बैठो। अच्छा मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। एक तो वो कमबख्त पुलिस वाले हाशिम से कुछ उगलवा नहीं पा रहे कि कौन अगवा करना चाह रहा था मुझे। अब तो घर से निकलते हुए भी डर लग रहा है कौन कमबख्त मारा दुश्मन है मेरा। अरे उस दिन तो हाशिम अकेला था, मैंने पछाड़ लिया उसे, कहीं 2-4 होते तो क्या हो जाता। कितने लोग होते जो आप आसानी से अगवा हो जाती। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था आपसे मैं। ये तुम आजकल आप बहुत करने लगे हो। नहीं, ताकि अगर किसी दिन आपको गुस्सा आ जाए तो बहुत ज्यादा ना आए। क्यों, मुझे अचानक गुस्सा क्यों आएगा और किस पर? हम पर। देखिए, किसी दिन अगर आपका पारा चढ़ जाए और हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो ये जो हम आप जनाब कर रहे हैं ना, इससे आपका गुस्सा नीचे आ सकता है। अरे इस चक्कर में ना रहना, मुझे जब भी तुम पर गुस्सा आया ना तो जूते उसी तरह पड़ेंगे जैसे रोज पड़ते हैं। ये आप जनाब से तुम बच नहीं सकते। चलो ये लो पकड़ो, धो जाकर, हट हराम काम चोर कहीं से। अरे उस तरफ किधर जा रहे हो अब? किचन में धोने। अरे किचन उधर नहीं है, इधर है। बिल्कुल बावले हो गए क्या, सठे आ गए? किचन इधर काम के ना काज के, दुश्मन नाच के। अरे आओ जल्दी से, आके मेरी टांगे भी दबाओ, दिन भर काम कर करके थक गई मैं। आयो। अरे जल्दी आ। दम नहीं है क्या हाथों में? है, बहुत है। जोर से दबाओ। अरे बस कर दे अम्मा, बस कर दे, कान पक गए मेरे। अरे तेरे जिस्म में तो कांटे लगे हुए, तेरे रोज कपड़े सीने बैठना पड़ता है मुझे। तो क्या करूं, वो रोज चापड़ी करके गोश्त काटता ना। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। अम्मा वो खालू से शादी की बात कर ली। हाय मैं मर गई। कमबख्त मारे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस बुढ़ापे में तू दुनिया वालों के सामने मुझे क्या जलील करेगा? अरे मैं तेरी शादी की थोड़ी, अपनी शादी की बात कर रही हूँ। ऐसे बोलना, अपनी शादी की बात कर रहा है? तूने तो मुझे डरा के रख दिया था। फिर कब जा रही है? हैं? 2-4 रोज में चली जाऊंगी। तू ना जल्दी चली जाना, खालू काटेंगे नहीं। हाँ अरे उस जहरीले बुड्ढे का कोई भरोसा थोड़ी है, काट भी सकता है वो। फिर ना मैं ना पहले से 14 इंजेक्शन तैयार करवा के रख लूंगा। हैं? कुछ नहीं अम्मा, वो तू एक काम करना, तू जल्दी चली जा, तू कल ही चली जाना। हाँ। अरे कह दिया ना कि चली जाऊंगी। अरे 2-4 रोज में चली जाऊंगी, आखिर मुझे तैयारी भी तो करनी है ना जाने की। कैसी तैयारी करनी है? अरे देखना, उस बुड्ढे के पास जाने के लिए अपने आप को बेइज्जत कराना इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को बेइज्जत कराने की तैयारी, उसके बाद अपने अगले पिछले गुनाहों की माफी की। आखिर इस सारे कामों में 2-4 रोज तो लग जाएंगे ना मेरे। जो भी अम्मा जल्दी कर लो, सलमा के पप्पा आ गए ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, बता रही हूँ। क्यों, मेरे लिए क्या मुश्किल हो जाएगी भाई? अरे पूरा खानदान ही ऐसा है, पटाने वाला। आपे में रहे, आपे में ज्यादा फजूल बातें ना कर, और अगर ज्यादा जिद की ना तो जाऊंगी भी नहीं, अगर चुप रहेगा ना तो 1-2 दिन में चली जाऊंगी। है?
मेरा लाडला। चल कपड़े सीने दे मुझे, चल ज्यादा सारी सिलाई भी कर ली। शब्बो उठना, शब्बो देख और से सुन, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है ना, उठना। खाला खैरन का होगा, तुम सो जाओ। बेवकूफ, खाला खैरन का होगा, उनका बच्चा कहाँ से आ गया? अरे आया तो है वो लंदन से, लंदन पलट सा। अरे पागल, आया तो है लेकिन वो अम्मी अम्मी नहीं करता, बहुत बड़ा लड़का है वो सिर्फ शबनम शबनम करता है, समझी? अरे हाँ, वो कम्बख तो हद धो के मेरे पीछे पड़ा है, मगर ये कौन है? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये किसकी आवाज है, कौन सा बच्चा है ये? ए सलमा, जाओ जाओ, तुम्हारा बच्चा बुला रहा है। मेरा मतलब है, देख के आओ किसका बच्चा रो रहा है।